हम लोग मोबाइल से देखे, यूट्यूब से, भोले बाबा के प्रति ज़्यादा है। ये शिव पुराण जब भाटापारा में हुआ ना, उसके बाद हम लोग यूट्यूब से देखे और देखने के बाद फिर हम लोग शिव पुराण से जुड़े। भक्ति तो पहले ही से कर रहे थे, लेकिन इनके प्रवचन से ज़्यादा प्रभावित हुए हम लोग। पंडित मिश्रा जी बताते हैं भोले बाबा का, ये उपाय करो, उपाय करो, है ना, ये सब चीज़ हम लोग अपने घर में करते रहते हैं। परेशानी तो थी, लेकिन परेशानी धीरे धीरे कम होते जा रही है। अच्छा जी, भोले बाबा की पूजा से? पूजा से। घर में क्या है, धंधा पानी में भी थोड़ा सा कमजोर था, धंधा पानी नहीं चल रहा था। जब से पशुपति जी का उपास चालू किए, तब से धंधा पानी अच्छे से चल रहा है और भोले बाबा के दया से सब ठीक ठाक है। पशुपति जी का उपास हम लोग रहते हैं सोमवार के दिन। अच्छा। और सुबह वही अभिषेक करते हैं, सुबह की पूजा में अभिषेक करते हैं पंचामृत से, और चंदन गुलाल रोली लगाते हैं बाबा में, बेलपत्री पान सुपारी चढ़ा के। बाबा यानी शिवलिंग? हाँ, शिवलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मायके है यहाँ पे बलौदा बाजार मोपर मल्दी। तकलीफ तो कुछ नहीं है खाने पीने का, बस सोने का तकलीफ है, गद्दा नहीं मिल पाई तो अपन लोग अपना साड़ी बिछा के सो। अब वही है, गद्दा की व्यवस्था करवा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इतने दूर से कथा सुनने आए हैं तो थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो रहा है। रात भर जागरण करके आए थे हम लोग, दिन भर भी जागरण हो गया, अब गद्दा नहीं मिल पाई तो कमर में दर्द हो रहा है। भोजन की क्या व्यवस्था है? भोजन अच्छी थी, खा लिए हम खाना। भोजन में दाल चावल सब्जी सब। जितना मांगो उतना देते हैं कि एक ही बार देते? नहीं नहीं, जितना खाना है उतना खाओ पेट भर के। अब जो यहाँ देख रहे हैं वही बताएंगे, बहुत खुशी मिल रहा है हमें, साड़ी बिछा के सोने के बाद भी हम खुश हैं।